हाँ बेटा सुनू बोल। हाँ वो तेरे दूर के चाचा ना म्यूजिक डायरेक्टर तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। आप हमें उनसे मिलवाइए ना, कसम से कह रहे हैं आपको पूरी जिंदगी याद रखेंगे बस। ठीक है कल शाम 6 बजे रेडी रहिएगा। तुम्हें भी है ना थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा, अपनी शादी शुदा जिंदगी की बंद खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर। ये आप क्या मतलब? तुम भी है ना किसी लड़की से प्यार कर लो यार, इलायची से प्यार कर लो, इश्कबाजी कर लो। जीजा जी के लिए तो मैं कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ। आप मुझे सिखाएंगी या अमचूर वाले कोफ्ते? यहाँ कैसे सिखाएंगे? एक काम करता हूँ ना, वो है ना बसेरा गेस्ट हाउस, वहाँ एक रूम बुक करा लेता हूँ, वहीं आ जाएगा शाम को। नहीं नहीं मैं गेस्ट हाउस नहीं आ सकती। हाँ तो कोई बात नहीं, हम आपके घर आ जाएंगे, बस 1-1.5 घंटे की तो बात है, सिखा दीजिएगा फटाफट शाम को। नहीं नहीं जी घर पे तो बिल्कुल ही नहीं, घर पे ना मेरे बहन को, उनको बुरा लगेगा जी। अच्छा आपके वो नहीं, नहीं आप अपने वो की चिंता मत कीजिए, आपके वो को तो मैं संभाल लूंगा, शाम को मिलता हूँ। शर्मा गई मंगीलाल, जब तक ये अमचूर वाले कोफ्ते नहीं सीखूंगा ना चैन नहीं पड़ेगा मुझे। पता है तो सुन, शाम को 1.5 घंटे के लिए इसके वो को बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। सुन छोटे, मुझे बसेरा गेस्ट हाउस का कुछ जिक्र सुनाई दिया। और क्या क्या सुनाई दिया? नहीं और कुछ सुनाई ना दिया, तुझे क्या सुनाई दिया? मुझे तो बसेरा भी सुनाई ना दिया। और इलायची कैसी है? हाथ कर रहा है बेकार की, इलायची कैसी है? तुम जाओ लहंगे की दुकान। अबे चल तू अंदर चल, आधा काम करके छोड़ दिया तूने। क्या कर दिया आपने चीजा जी? पता कितनी मुश्किल से सुनीता के चाचा के साथ आपकी सेटिंग कराई थी मैंने। देखिए इलायची जी उनका नाम मत लीजिए आप, कैसे कैसे काम करने को वो बोल रहे थे हमें। अरे हाँ जीजा जी, फिल्म में ये सब करना पड़ता है, बहुत नॉर्मल है। अरे ऐसे कैसे करना पड़ता है? अगर हम कोई फिल्म बना रहे हो चोर और डाकू के ऊपर, तो अभी आप क्या चाहती हैं कि मैं लोगों के घर पे जाऊं और लूटपाट करूं क्या मैं? ये कैसी बात है? प्लीज हाँ, प्यार और लूटपाट में ना बहुत बड़ा फर्क होता है, समझ रहे ना? देखिए प्यार मतलब से नहीं किया जाता, प्यार एक बहुत पवित्र चीज है जो हृदय से जुड़ी होती है। हमसे बहस ना करें आप इलायची जी। कितनी प्यारी बात आपने इतने धार्मिक स्टाइल में बताई कि मतलब मेरा दिल कर रहा है घंटी लगा के ना आपकी आरती उतारूं। हाँ नहीं तो। अरे यार वो सच्चा वाला प्यार नहीं, प्यार का ड्रामा करने के लिए कह रहे थे मेरे साथ। अच्छा प्यार में ड्रामा, मतलब ड्रामेटिक प्यार, वाह वाह क्या बात है, कैसे होता है बताइए जरा। अरे बहुत ही सिंपल है, देखो उसमें ना ये करना पड़ता है कि आप और मैं और हम प्यार का नाटक करेंगे, मतलब सबको ये दिखाएंगे कि हम बहुत प्यार करते हैं दूसरे से। तो फिर आज रात को रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर? क्यों बत्ती गुल है क्या वहाँ पे? अरे आपकी बत्ती गुल है। अरे रोमांटिक फील के लिए बोल रही हूँ ये कैंडल लाइट डिनर। हाँ बिना जीजा जी, अरे सुनिए वो फूल वूल भी लेते आइएगा। फूल क्यों? वो जो वहाँ पे वेटर होगा ना उसके बालों में सजाएगा, बड़ा मजा आएगा। हम ऐसा नहीं करते हैं। अरे यार जीजा जी बड़े टेंट टाइप आदमी हो आप। देखिए इलायची जी हमारे पास पैसे नहीं है ना आपको कैंडल लाइट डिनर कराने के और ना ही फूल नहीं है। मेरे पास है, रुको मेरे पैसे। इलायची जी आप क्या कर रही हैं? सेठ जी को पता चल गया तो वो हम दोनों को मार देंगे, क्या कर रही है आप? नहीं अरे कुछ पता नहीं चलेगा, पता है पापा 8th स्टैंडर्ड में ना 4 बार फेल हुए थे मैथ्स में, और ये हिसाब की कॉपी पकड़ के ना सिर्फ ऐसे एक्टिंग करते रहते, नाटक करते हैं। आप भी उनके नाटक में आ गए ना जीजा जी, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आप ही इस गल्ले को ना अपना ही गल्ला समझा करो। और तो याद रहे आज शाम 7 बजे दिल्ली के बाहर। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची भगवान
ये पेटी कोट ब्लाउज पहन पहन के बड़ी जनाना फीलिंग होने लग पड़ी है। इससे पहले कि मेरी मर्दानगी मेरे हाथ से फिसले, प्रभु मेरा भला कर दो, उद्धार कर दो प्रभु। इससे पहले कि ये राज खुले, अपना चमत्कार दिखा दो मालिक। हे दाता, हम आपको जल समर्पित कर रहे हैं प्रभु। ओम सूर्य नमाय। साईं बाबा नमाय। ओम सरस्वती माता नमाय। ओम लक्ष्मी माता नमाय। ओम गणेशाय नमाय। विष्णु देवाय नमाय। ओम साईं बाबा नमाय। ओम सरस्वती माता। कितनी पतिव्रता लड़की है। अभी अभी गली में इसकी पतिव्रता का नमूना देख के आ रहा हूं। पिंटू, क्या मांगा भगवान से? यही कि कभी पकड़ी ना जाऊं। मतलब? मेरा मतलब कि संसार के मोह माया के बंधनों में इतनी ना पकड़ी जाऊं कि भगवान की भक्ति से ही हाथ धो बैठूं। और पकड़ी भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दरोगा है ना, छुड़वा लेगा तुझे, है ना? क्या सर जी? मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे काम ही क्यों करने दिल में पकड़े जाने का डर हो। इंसान की मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं कराती सेठ जी। ये अच्छा है, खुद के पापों का टीकरा मजबूरी के सिर पे फोड़ दो, खुद के मन में लड्डू फूटे और दोष हलवाई का। ठीक है सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते। देखो कितनी संस्कारी औरत है और अपने पति से तो कितना प्रेम करती है। ठीक। अरे पति से प्रेम करने में छह कैसा? अपने पति से प्यार करने में छह नहीं है। हाँ। लेकिन दूसरों के पतियों से प्यार करने में बहुत बड़ा छह है। मतलब? मतलब ये कि खुद को दरोगा के हाथों में गिरफ्तार करवाना चाह रही है, बताए? हाँ, दोनों का चक्कर चल रहा है। अब तू क्यों रो रही है? इतनी संस्कारी औरत के ऊपर इल्जाम लगेगा तो बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे मैं काहे को इल्जाम लगा रहा हूँ उसमें? कौन से मेरे दुकान के लहंगे जो है चबा के खा गई, सुन के आ रहा हूँ अभी। तो ये मुझ पे भरोसा नहीं है तो एक काम कर, आज रात को बसेरा गेस्ट हाउस चल। बट ना क्या घर नहीं है जो वहां जाएंगे? तेरे लिए नहीं जा रहा हूँ, दोनों ने कमरा बुक कराया है, रंगे हाथों पकड़ूंगा जाके। अब रो 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 ले, अब क्यों ना रो रही है, बात कर रही है बेकार की। जीजा जी, वो फूल वहाँ पे किसके लिए लाए? सब्जी में धनी की तरह छिड़कने के लिए। अब जीजा जी, जी ये फूल दे रहे हो या धमकी दे रहे हो? डर गई मैं तो। थोड़ा प्यार से दो यार। प्यार से कैसे? मैं बताती हूँ, पहले तो मुझे मीठी मीठी आंखों से देखिए, बिल्कुल वैसे। और फिर लंबी लंबी सांसें लीजिए, ठंडी ठंडी। और फिर दुख 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 करके फूल दे दीजिए फीलिंग के साथ। इलायची जी, हमसे नहीं हो पाएगा ये, हमें नहीं आता, हमने ये कभी नहीं किया। हम बहुत शरीफ आदमी हैं। एक मिनट, मतलब इश्क सिर्फ बदमाश करते हैं? नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हैं? अरे आपके लिए तो रोमियो भी कहीं का डॉन होगा, गली का गुंडा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें आता नहीं है, हमने ये कभी किया नहीं है तो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक शेर सुना दीजिए प्यारा वाला, प्लीज। शेर नहीं आता हमें, अब कविता सुना सकते हैं आपको। ठीक है, मैं ना बिल्कुल रेडी हूँ, सुना दीजिए प्लीज। जी। ये कार दीजिए, सुनाइए।
दूर देश से आई एक तितली, नन्नी मुन्नी दुबली पतली, तरह तरह के रंगों की, थोड़ी गोरी थोड़ी काली। जीजा जी, जी आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए। अरे कौन से रूम में है दोनों? मैं क्या यहाँ का मैनेजर हो रहा हूँ? यार रिसेप्शन पे पड़ा रजिस्टर हूँ जिसपे वो कमरा नंबर लिख के गए हैं। बात कर रही है बेकार की। तो पता कैसे चलेगा? अरे कमरे का दरवाजा खटखटाएंगे तब पता लगेगा। हाँ तो खटखटाओ ना। हाँ तो खटखटा रहा हूँ, रुक तो जा। रुक जा। कमाल है, कोई तरीका ही है? बाहर मेरी बीवी खड़ी है और मुझे अंदर खींच लिया, गलत बात है। कमाल की औरत है। अरे वैसा वाला कमाल ना कह रहा हूं, रोने लगी तू, चला। सुन उस कमरे में तो ना थे बिल्कुल, है मुझे लग रहा है इसमें होंगे। तू क्या खड़े होने के लिए आई है यहां पे? तू बजा बजाना, टुकुर टुकुर देख रही है मुझे, बजा 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 बजा। ओए किया ओए ओए स्यापा पे गया, रेड पड़ गई, निकलो 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 छेती छेती। ओए कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप? अरे वाह इलायची जी, ये लीजिए ना। Hands up, you are under arrest. ये क्या बोल रहे हैं आप? हमने क्या किया है? ये थाने चलकर सोच लेंगे, चलो थाने। क्या मांगी चाचा? एवी मतलब कोई गलती की होगी तभी तो पकड़ोगे ना, मजाक मत क्या करो। हानी तो गलती क्या कर रहे हैं आप? ये किस चीज की सब्जी है? पनीर की। क्यों? यहाँ देश में गरीबों को खाने के लिए दाल तक नहीं मिल रही है और तुम लोग पनीर खा रहे हो, हैं? चलो थाने। अरे पनीर खाने के लिए आप हमको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं? और क्या, कानून नाम की भी कोई चीज होती है। अरे पंचम बेटा जरा ये डंडा पकड़ लियो। लाइए पंचम, ये पुलिस का डंडा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है बेटा? आप ही ने तो अभी कहा पकड़ने के लिए, तो मैंने पकड़ लिया। अच्छा तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो तू मानेगा? नहीं अब पुलिस वाले हैं तो मानना ही पड़ेगा ना। तो अपना सर टेबल पे दे मारो। मैं क्यों मारूंगा? क्योंकि मैंने कहा। आप कुछ भी कहेंगे वो थोड़ी ना मानूंगा मैं। देखो कभी कानून की बात मानने और कभी कभी ना मानने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, अब कोई सवाल नहीं, उठो चलो। एक सेकंड मंगी चाचा, जीजा जी को ले जाने से पहले ना आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। हाँ नहीं तो पुष्पा शर्म नहीं आती है? इस उम्र में इनको यहाँ लेके आते हो, वो भी शहर के सबसे रंगीन गेस्ट हाउस में। कौन है? पत्नी है। किसकी? अरे मेरी और किसकी है, यहाँ किसको लेके आऊंगा? अपनी पत्नी को लेके आऊंगा और क्या। अरे गेस्ट हाउस में तो दूसरे की पत्नी को लाते हैं ना, अपनी पत्नी के साथ तो अपने घर में रहते हैं। सबूत क्या है कि आपकी पत्नी है ये? सबूत? आधार कार्ड के साथ साथ आप शादी के एल्बम भी लेके घूमो, सबूत चाहिए? वो मुझे नहीं पता, आप तो सबूत दिखाओ या फिर इनके बारे में कोई खास बात बताओ। इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अच्छा तो अब आप चाहते हो कि मैं छुरा मार के इनका खून निकालूं?
और फिर उसका ब्लड टेस्ट करूं। कैसी पागलों से बात कर रहे हो तुम? पुलिस को पागल बोल रहा है? चार डंडे पड़ेंगे ना बेटा, तब समझेगा तू। मेरी बात सुनो, चल चल, एक मैं बात समझ ही नहीं रहा। अरे बात तो समझो यार बेटा, क्या कर रहे हो तुम? मांगी चाचा, कम से कम एक फोन तो करने दो ना। पिज्जा ऑर्डर करना है। मम्मी पापा को फोन करके बताना है कि आपने बिन बात के हमें यहाँ बंद करके रखा है। बिन बात कैसे? पनीर नहीं खा रहा था ये? हाँ तो पनीर खाना कौन सा बड़ा जुर्म हो गया आजकल है? देखो मेरे ना बता रही हूँ, बहुत कॉन्टैक्ट है और मैं ऊपर शिकायत करूंगी। ऊपर पानी की टंकी है, उससे क्या शिकायत करेगी तू? है कुछ भी? पानी की टंकी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ना कमिश्नर की बात कर रही हूँ। मेरे मामा लगते हैं वो, समझे आप? बेटा यहाँ सब यही कहते हैं। इस हवालात में कमिश्नर के भतीजे से लेकर उनके गुजरे हुए दादाजी तक सब बंद है। अब बोलो। भाई साहब, भाई साहब चाय पानी ले लीजिए ना। अबे वो अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर, चाय तो मैं पीता नहीं और पानी तेरे से क्यों लूं बे? मेरी अपनी बॉटल है। भाई साहब बच्चों के लिए मिठाई, मिठाई, मिठाई। यार पंचम, कल ही मेरी बीवी ना प्रेग्नेंट हुई है, तो बच्चे होने में कम से कम 9 महीने तो लगेंगे। 9 महीने में तो यार मिठाई खराब हो जाएगी ना, है? मतलब नहीं निकालोगे आप हमें यहाँ से, हैं? तो एक काम करो ना, हम दोनों को एक ही सेल में बंद कर दो, प्लीज। क्यों? दोनों भाई बहन हो क्या? खबरदार, जीजाजी है मेरे, अरे साथ में बंद कर दो ना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बोर हो रही हूँ, अकेले क्या करूंगी? बोर रहा हूँ ना बे, चुप। सुनो ए, जेल है, मजनू का टीला नहीं है जो दोनों साथ बैठ के दुआ मांगोगी। भूख लगी है मुझे, कुछ खाने के लिए है? पकड़ के लाया हूँ, पिकनिक पे नहीं लाया हूँ। सुन, 1 घंटे के बाद छोड़ दूंगा, 1 घंटे के बाद घर जाना और छक के खाना, ओके? अब कोई परेशानी करे, चलो। लाइफ में टेंटे हो रखे हैं। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि हमें पकड़ा क्यों है और ये 1 घंटे का क्या चक्कर है? जीजा जी, आप तो यहाँ के बैठ जाओ, कम से कम आपकी शक्ल देखूंगी तो हिम्मत तो बनी रहेगी ना यहाँ पे। जी। बेटा पिंटू आज बना चटपटी लौकी, चटपटी चटपटी खाएंगे आज, खूब पेट भर के खाएंगे। अबे कौन आ गया इस समय? हेलो, आप मेरा स्वागत ना करेंगी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह। अच्छा, अरे ध्रुव जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, भूल गई? आप ही ने तो बुलाया था ना। मैंने मतलब कि मैंने कहा था ना, वो अमचूर वाली लौकी सीखने घर जरूर आऊंगा। आ गया? देखिए दरोगा जी, हमारे वो आते ही होंगे और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके पीछे से कोई मर्द घर पे आए। हाँ तो मैं कोई मर्द थोड़ी हूँ जी, मतलब कि मैं कोई पराया मर्द थोड़ी हूँ, मैं तो आपका अपना मर्द हूँ, मतलब आपका अपना दारोगा हूँ ना। तो देखिए दरोगा जी, आप यहाँ से जाइए, अगर वो आ गए तो बहुत मारेंगे हमको। अरे उसकी इतनी मजाल, मेरे अलावा आपको कोई छू नहीं सकता जी। मेरा मतलब कि मेरे होते हुए आपको कोई छू नहीं सकता। आपके अलावा मतलब आप छूएंगे मुझे? अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो यहाँ सिर्फ अमचूर वाली लौकी सीखने आया हूँ, मेरे मन में आपके लिए कोई ऐसा गलत वलत विचार है ही नहीं, नहीं। आप तो पूजनीय हैं, अच्छी लग रही हैं वैसे आप। वो क्या ना कि मेरे पति आने वाले हैं तो इसलिए मैंने अपना रिनोवेशन किया है। ओ, आपका मतलब डेकोरेशन किया है? हाँ हाँ। देखिए दरोगा जी, आप यहाँ से जाइए, अगर वो आपको देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, 1.5 घंटे से पहले वो यहाँ आने वाला नहीं है। क्या किया आपने, क्या किया आपने उनको? इतना मत घबराइए वरना मर्दाना आवाज निकलने लग पड़ती है। देखिए मैंने अभी तक कुछ परमानेंट नहीं किया है, सब ठीक हो जाएगा, बस आप
आप ये लौकी बनाना सिखाइए, मैं आपको बताऊं, जब से अमचूर वाली लौकी के बारे में सुना है ना, मेरी नींदें उड़ गई हैं। लेकिन हम लोग तो आज सुबह ही बात की है ना इसकी। हाँ तो बस शाम को 4 से 6 जो थाने में मेरा सोने का टाइम है, बिल्कुल नींद नहीं आई मुझे। आप बस सिखाना शुरू कीजिए, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सस्पेंस खत्म कीजिए और शुरू कीजिए। हाँ, इससे बड़ा चेप मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मांगी चाचा। वो ना मैं बड़ा बोर सी हो रही हूँ। कैरम बोर्ड है क्या? नहीं है। लूडो? ताश तो होंगे ना प्लीज। अरे तुम लोग यहाँ हवालात में आए हो कि 2 nights 3 days के टूरिस्ट पैकेज में है? अब से देख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ, अरे चुप करो थोड़ा। और सुनो इलायची बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे बात को समझो थोड़ा बेटा, ऊपर से प्रेशर है ना, तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी है? रहने दो, वैसे ही लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इतनी सी थी तब से तू यही बोल रही है, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई नहीं, थोड़ी देर के बाद छोड़ दूंगा, ठीक है? जीजा जी। अच्छा छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.